बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं आपके साथ में। आपको भाई आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है इससे अपडेट कर देता हूं मैं। रोज आपको अपडेट कर रहा हूं मैं। क्यों भाई, अभी डॉलर और रियाल रोज बर रोज ऊपर ही जा रहे हैं और काफी बड़ी छलांगें लग रही हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस चीज से यानी कि फायदा तो हो रखा है, लेकिन भाई पीछे बैठे जो हमारी फैमिलीज हैं उनको भाई महंगाई भी तो यानी कि उस पाकिस्तान में जो महंगाई हो रही है उस हिसाब से वो उस महंगाई से भी तो दो चार हैं जी। बहरहाल यहाँ पर आपको डॉलर का रेट मैं दिखा रखा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। 174.19 रुपए था जी कल, ठीक है। 175.73 रुपए हो चुका है आज, यानी कि 1.5 रुपए या 154 पैसे मजीद एक ही दिन में बढ़ चुका है। यानी कि पैसों के हिसाब से नहीं, रुपए के हिसाब से बढ़ रहा है भाई। 1.5 रुपए से ज्यादा एक ही दिन में बढ़ चुका है। और ये जो मैं आपको रेट दिखा रखा हूं भाई, ये स्टेट बैंक का है। अगर भाई मार्केट की बात करें तो 178 रुपए में सुनने में आ रखा है कि डॉलर सेल हो रखा है। और अगर पिछले चार दिन की बात करें तो चार दिन में डॉलर भाई गालबन 5.5 से 6 रुपए के अराउंड में बढ़ चुका है सिर्फ चार दिन के अंदर। अभी बात कर लेते हैं रियाल के मुतालिक। तो आज का रियाल का रेट भी इसी हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको अक्सर बताता रहता हूं अपनी वीडियो में, भाई डॉलर ऊपर जाता है तो रियाल भी पाकिस्तान में ऊपर ही जाता है। तो रियाल का रेट हो चुका है 46.46, यानी कि एक रियाल के 46.46 रुपए हो चुके हैं। और अगर कल एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मैंने भाई पाकिस्तान में चेंज करवाए हैं 46.35 रुपए के हिसाब से, तो वो कल था भाई, आज उससे भी ज्यादा हो चुका है। अच्छा, इंडिया के रेट के मतलब की बात करें तो वही 19.86 जा रहा है जो कल ही था। तो भाई अगर इंजाज बैंक या राजीव बैंक भी आप जाते हैं तो वहां पर इससे 10-20 पैसे कम हो सकता है, लेकिन 1-2 रुपए का फर्क नहीं होगा, ये कन्फर्म बात है। लेकिन आज जब तक आप ये वीडियो देख रखे हों, कब आप पैसे भेजने जाएंगे उस हिसाब से भाई फिर वहां पर वो रेट होगा।